गाइज आईपीएल 2020 अब जल्द ही शुरू होने वाला है और काफी कम समय बचे आईपीएल 2020 शुरू होने में। और गाइज यहां पर आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमें जमकर प्रैक्टिस भी कर रही है। सो गाइज यहां पर जैसा कि आपको पता है राजस्थान रॉयल्स की टीम के स्टार प्लेयर, सबसे बड़े प्लेयर या सबसे बड़े ऑलराउंडर कह लीजिए, बेन स्टोक्स आईपीएल 2020 के स्टार्टिंग के मैचेस मिस करने वाले हैं, वो पहला हाफ मिस करने वाले हैं। सो गाइज उनकी जगह पर यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम में प्लेइंग 11 में डेविड मिलर खेलेंगे या फिर खेलेंगे टॉम करन, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी। सो गाइस बात करते हैं हम बेन स्टोक्स की। तो गाइस जैसा कि आपको पता है यहाँ पर बेन स्टोक्स के पिता की तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई थी, तो यहाँ पर बेन स्टोक्स वहाँ पर न्यूजीलैंड में पहुँच चुके हैं। सो इस वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम में यहाँ पर स्टार्टिंग के मैचेस में वो मिस करने वाले हैं और गाइस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 से 5 मैचेस मिस करने वाला है। तो उसी में यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को उनकी जगह किसी और प्लेयर को खिलाना पड़ेगा। वहीं गाइस बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स की, तो गाइस दूसरे हफ्ते में तो यहाँ पर जॉस बटलर आ जाने वाला है। जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर ये तीनों ही अवेलेबल हो जाएंगे सेकंड मैच में और दूसरे हफ्ते में ये कंफर्म यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो गाइस ये तीन तो प्लेयर यहाँ पर कंफर्म खेलने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में। तीनों ही बढ़िया प्लेयर है और बढ़िया फॉर्म में भी लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर बेन स्टोक्स की जगह किसी को खिलाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर दो नाम्स आ रहे हैं, वो है भाई एक पहला नाम तो है भाई डेविड मिलर। डेविड मिलर गाइस कश्यप के प्लेयर है, एक बहुत ही तगड़े बैट्समैन है T20 क्रिकेट में और गाइस पूरी दुनिया में इनका नाम है जिस तरह से ये खेलते हैं। और गाइस यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के नेट सेशन में भी ये बहुत ही बढ़िया टच में लग रहे थे, बहुत बढ़िया हिटिंग कर रहे थे, एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। और गाइस यहाँ पर इन्होंने बिग बैश लीग में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और गाइस ऐसे ही इनको किलर मिलर नहीं कहा जाता, बहुत ही बढ़िया हिटिंग करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं ये। और गाइस यहाँ पर जब छक्के लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। और गाइस यहाँ पर बहुत तगड़े प्लेयर है और गाइस ऐसे ही इनको किलर मिलर तो नहीं कहा जाता, इनकी जैसे शॉट है गाइस गजब के ये प्लेयर है। तो गाइस यहाँ पर किलर मिलर को खिला सकते हैं, लेकिन गाइस अगर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम डेविड मिलर को खिला दे प्लेइंग 11 में बेन स्टोक्स की जगह, तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को रॉबिन उथप्पा को बाहर बिठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और गाइस यहाँ पर रॉबिन उथप्पा की जगह उन्हें शशांक सिंह या महिपाल लोमरो को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक ऑलराउंडर चाहिए और गाइस वो ऑलराउंडर बेन स्टोक्स थे, लेकिन बेन स्टोक्स को मिस करने वाला है इस वजह से उनकी जगह यहाँ पर डेविड मिलर खेलते हैं। तो गाइस यहाँ पर कंफर्म रूप से रॉबिन उथप्पा को बाहर बिठाना पड़ेगा और गाइस यहाँ पर रॉबिन उथप्पा की जगह खिलाना पड़ेगा शशांक सिंह को या फिर महिपाल लोमरो को इन्हें खिलाना पड़ेगा। गाइस आप यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर शशांक सिंह कितने बढ़िया प्लेयर है, कितने बढ़िया वो छक्के मारते हैं लंबे लंबे छक्के। तो गाइस उनको मेरे ख्याल में खिलाना पड़ेगा अगर यहाँ पर डेविड मिलर खेलते हैं। तो गाइस यहाँ पर बेन स्टोक्स की जगह एक और खिलाड़ी खेल सकता है, वो है गाइस यहाँ पर टॉम करन। जी हाँ दोस्तों, टॉम करन भी बहुत तगड़े प्लेयर है और गाइस हाल फिलहाल भी इनकी यहाँ पर जो फॉर्म है वो भी बढ़िया है। गाइस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में टॉम करन का प्रदर्शन अच्छा था, बहुत बढ़िया खेले थे और गाइस ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर ये भी खेल सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर टॉम करन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 ODI है वहाँ पर भी अगर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो गाइस मेरे ख्याल में ये खेलने वाले हैं और यहाँ पर बेन स्टोक्स की जगह ये खेल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी फॉर्म के मुताबिक इनको टीम में जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्लेयर है और गाइस यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के ये उभरते हुए सितारे हैं और गाइस ये बहुत बढ़िया फॉर्म में है। सो गाइस फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर टॉम करन भी खेल सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर डेविड मिलर भी बहुत ही तगड़े प्लेयर है। गाइस वो चल जाते हैं तो गाइस बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं और बहुत बड़ी बड़ी इनिंग खेलते हैं, तो उनमें तो काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। तो गाइस यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि अगर डेविड मिलर खेलते हो तो उनको रॉबिन उथप्पा को बाहर बिठाना पड़ेगा, शशांक सिंह को खिलाना पड़ेगा और गाइस वो टॉम करन को खिलाते हैं तो फिर रॉबिन उथप्पा कन्फर्म खेलेंगे ही प्लेइंग 11 में। सो गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पर बेन स्टोक्स की जगह कौन खेलने वाला है, डेविड मिलर या टॉम करन, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।